हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि आप सीताफल यानी कि कस्टर्ड एप्पल में से आसानी से कैसे उसका पल्प निकाल सकते हैं। कस्टर्ड एप्पल में बीज होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसे आसानी से खाने में। इसके लिए मैं चॉपर जार का यूज कर रही हूँ और उसमें आप इस तरीके से एक विपिंग या विस्क प्लेट आती है उसका उपयोग करें। इस तरीके से जो चॉपर की ब्लेड आती है उसका उपयोग ना करें, क्योंकि ये प्लेट नुकीली होती है। सो इससे जो बीज है वो कट हो जाएंगे और उसकी जो कड़वाहट है वो हमारे पल्प में आ जाएगी। सो इस तरीके से प्लास्टिक प्लेट का यूज करें। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो उसमें भी जो डो नीडिंग की प्लेट आती है जो प्लास्टिक की है, या आपके पास कोई और इक्विपमेंट है जिसकी इस तरीके से प्लास्टिक प्लेट है, उसका आप यूज कर सकते हैं। अब सीताफल को दो हिस्सों में बांट लें और उसके बाद एक चम्मच की मदद से इस तरीके से उसका जो सारा पल्प है वो बीज के साथ आप डायरेक्टली आपकी जो भी चॉपर या फूड प्रोसेसर की जार है उसमें ले लें। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो आप बैचेस में कर सकते हैं, जैसे मैं इस समय पहले एक कस्टर्ड एप्पल का कर रही हूँ, बाकी के कस्टर्ड एप्पल का मैं बाद में करूंगी। और इस तरीके से मैंने उसका कवर लगा दिया है और इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी। इसको हमें ब्लेंड करना है 1 से 2 मिनटों के लिए और जैसे जैसे मैं ब्लेंड करती जाऊंगी आप नोटिस करेंगे कि इसके जो सीड्स है और पल्प है वो सेपरेट हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें काले काले बीज दिखने लगे हैं, यानी कि अब ये रेडी है। मैंने टोटल करीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको विस्क किया है, या तो मैंने इसको चलाया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पल्प निकल आया है और आप ये जो ब्लेड है उसको इस तरीके से रिमूव कर लें। और अब ये जो पल्प हमारा निकला है उसको हम एक स्ट्रेनर में ले लेंगे। उसके लिए आप इस तरीके से एक बड़ा बोल लें और उसके ऊपर बड़ी सी स्ट्रेनर रखें और उसमें आप ये पूरा जो पल्प हमने बनाया है वो आप डाल लें। अब आप या तो इस समय किसी विस्क का यूज कर सकते हैं या किसी बड़े चम्मच का या इस तरीके से स्पून का, और उसके बैक ऑफ द स्पून से या स्पैचुला से आप इस तरीके से प्रेस करते जाएं या मैश करते जाएं। जैसे जैसे आप इसको प्रेस करते जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि नीचे बोल में स्मूथ पल्प कलेक्ट हो रहा है और ऊपर सारे जो बीज है वो अलग आपको दिखने लगेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको मैश कर रही हूँ आसानी से सारे जो बीज है वो क्लियरली विजिबल है। जैसे ही आप ऑब्जर्व करें कि सारे जो बीज है वो आपको दिख रहे हैं, सो आप वैसे वैसे उन बीज को चम्मच की मदद से लेते जाएं और उसे साइड में निकालते जाएं। सो इस तरीके से मैं सारे बीज को कलेक्ट कर रही हूँ और निकालती जा रही हूँ। क्योंकि इसके बीज बड़े होते हैं सो वो आसानी से विजिबल होते हैं। कभी कभी इसमें छोटे छोटे बीज भी होते हैं तो वो भी आपको इसमें आसानी से दिख जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास पल्प रेडी है। आप चाहे तो दोनों पल्प्स को सेपरेटली भी रख सकते हैं। मैं इस समय जो मेरा स्मूथ पल्प है उसके साथ ही मैं जो ये मेरा थोड़ा सा पल्पी जो एक मुझे मिला है मिक्सचर, वो भी मैं साथ ही में उसको मिक्स कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक सीताफल से मुझे इतना पल्प मिला है और ये रेडी है। इसी तरीके से मैं दूसरे सारे सीताफल का पल्प निकाल के रेडी कर लूंगी और उसको साथ में मिला लूंगी। आप इस प्रोसेस को दोबारा से देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सारा पल्प मैंने निकाल कर रेडी कर लिया है। इसका आप मिल्कशेक बना सकते हैं, बासुंदी बना सकते हैं, या आप किसी भी डेजर्ट्स या स्वीट्स में इसे यूज कर सकते हैं या ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं।